सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राउड टू इंडियन। इन दिस वीडियो आई विल रिव्यू BBIT, बज बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भाई आप लोग सोच लेंगे कॉलेज का रिव्यू करने का क्या जरूरत है। बेसिकली दिस रिव्यू इज बेसिकली वीडियो ऑन डिमांड। ओके, बहुत लोग मीन्स बहुत हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं वो बोल रहे थे कि भैया आप कुछ कोई ऐसा कॉलेज का रिव्यू करें जिसमें कि मीन्स अगर हमारा लो रैंक भी रहे तो भी अपने को कॉलेज मिल जाए और कॉलेज भी अच्छा हो। ओके, तो फाइनली मैंने रिसर्च वर्क किया और फाइनली मैं एक कॉलेज को ढूंढ के लाया। ओके, बज बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ओके, सो मैं हर एक डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा। तो हे गाइस, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन दबा दें क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। ओके, फर्दर कॉलेज रिव्यू अदर आपको डिटेल यहीं पर मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सो जैसे मैंने बोला कि आज मैं रिव्यू करूँगा बज बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं साफ साफ मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप आउट कॉलेज। ओके, तो कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लेते। ओके, सो बेसिकली बज बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस रिजल्ट ओरिएंटेड स्किल प्रोफेशनल मीट। ओके, सो पहले मैंने बताया था कि ये बेसिकली टेक्निकल कॉलेज। ओके, इसमें आपको बीटेक वगैरह का होगा। ऑल्सो आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिस कॉलेज इज ऑल्सो एफिलिएटेड टू मकाउ, तो एफिलिएशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ इनके कॉलेज को NBB++ एक्रेडिएशन मिला जो कि काफ़ी अच्छा होता है कॉलेज के लिए। ओके, साथ ही अदर एक्रेडिएशन वगैरह भी मिला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन्स बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज। ओके, सो अब देखते हैं इसमें मीन्स बेसिकली कौन कौन सा बीटेक में ब्रांचेज। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली बीटेक में ब्रांचेज है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट CSE, EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, CSE का बात करूँ तो टोटल 180 सीट इनटेक कैपेसिटी है। EC का बात करूँ तो 60 है। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिमिलरली 60 और अदर ब्रांचेज जो सिविल इंजीनियरिंग, IT, ये सब का भी 60 इनटेक है। ओके, सो आप देख सकते हैं CSE का मीन्स बहुत ज़्यादा सीट है। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट। तो अगला पार्ट में आप मूव करते हो। ओके, अबाउट द कैंपस लाइफ। सो हाउ इज द कैंपस लाइफ। सो नो डाउट वही बज बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव अ गुड कैंपस। ओके, एंड ऑल्सो हैव अ वेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो ऑल द क्लासरूम हैव बीन प्रोवाइडेड विद मॉडर्न ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज। ओके, सो यू कैन सी LCD प्रोजेक्टर एंड अदर डे टू डे मीन्स मॉडर्न फैसिलिटीज। ओके, सो बेसिकली ऑल दीज आर अवेलेबल। ऑल्सो यू विल बी गेट द फुल्ली वाईफाई कैंपस। आपको भाई फुल्ली वाईफाई कैंपस भी आपको यह प्रोवाइड होगा। ओके, ना कैफेटेरिया, मॉडर्न कैफेटेरिया विद ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स हेयर ऑल्सो। ओके, मीन्स यू कैन सिंपली इन्जॉय द गुड फूड। आप गुड फूड हो सकते हैं, इन्जॉय करेंगे। ओके, क्लिनिक फैसिलिटीज़ भी है। ओके, सो आपको मीन्स कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सेपरेट गर्ल एंड बॉयज हॉस्टल है जहाँ की आपको बेसिक मीन्स गुड टाइप ऑफ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होगा। ओके, तो यहाँ जैसा कि बताया गया कि आइदर यू कैन चूज अ सिंगल डबल बेड विद अटैचमेंट अटैच बाथरूम और 3 बेड एंड 6 बेड। ओके, सो ये इस तरह का कॉमन रूम आपको प्रोवाइड होगा। ओके, ऑल्सो मीन्स अगर आपके कोई फैमिली वगैरह है तो उसको उनके लिए गेस्ट हाउस भी है। ओके, सो वहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो दिस कॉलेज हैव ATM एंड बैंकिंग फैसिलिटीज। ओके, तो यहाँ ATM बैंकिंग फैसिलिटीज है तो आपको ट्रांजेक्शन वगैरह में हेल्प होगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। ओके, एफिलिएशन जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ओके, एफिलिएशन के बारे में कौन कौन सा है फिर भी लेकिन आपको बता दें तो NBA accredited है। ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ रिकोगनाइज बाय AICT, अप्रूव्ड बाय AICT, एफिलिएटेड बाय मकाउ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द accreditation। तो accreditation भाई बहुत ही इनका ज़बरदस्त है। ऑल्सो यू कैन से दैट एज आई ऑलरेडी सेड दैट इनको जो है accredited बाय NAC विद B+ grade। तो B+ grade बहुत ही अच्छा होता है। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द accreditation। तो मीन्स कॉलेज पे आप आँख बंद कर भरोसा कर सकते हो। ओके, दिस इज यू अंडर रेटेड कॉलेज। ओके, कॉलेज हैव अ गुड मीन्स कैपेसिटी। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द प्लेसमेंट। बिकॉज प्लेसमेंट
सिनारियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कॉलेज, कोई भी कॉलेज के लिए भाई प्लेसमेंट सिनारियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो लेट अस सी द प्लेसमेंट स्टेटस ऑफ देयर. ओके, तो प्लेसमेंट स्टेटस को देखते हैं किस कॉलेज में बेसिकली किस तरह का है. सो बेसिकली यू कैन सी हेयर दैट अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ 2018, 2019, 2020. ओके, सो दीज आर द 18, 19, 20, 21 का भी अपडेट वो लोग नहीं किए. ओके, मे बी बाद में अपडेट करें. 2018 में देख सकते हैं आप अबाउट 120% ओके प्लेसमेंट हुआ. ओके, एंड 2029 152 और 2020 125. बहुत लोग को लग रहा है कि 120%, 152 और 125% क्या होता है भाई. ये 120, 240, 52 और 125% प्लेसमेंट बेसिकली ये होता है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल है. ओके, एंड दैट एलिजिबल स्टूडेंट हाउ मेनी ऑफर दे गॉट, उसमें से कितना स्टूडेंट को ऑफर मिला है. ओके, सो दीज आर द मीन्स 120, 150 to 125%. ओके, तो इसमें और कोई खास नहीं. ओके, समझ सकते हैं. मीन्स अगर बात करो तो या दिस कॉलेज है एवरेज प्लेसमेंट. ओके, एंड गुड फॉर अ मीन्स लो कॉलेज. ओके, ऑल्सो यू कैन से दैट हाउ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेट प्लेस थ्रू द कैंपस ड्राइव, ये भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. ओके, नाउ मूविंग टू आवर कट ऑफ. सो व्हाट इज द कट ऑफ, बिकॉज कट ऑफ इज इम्पॉर्टेंट क्रिटेरिया फॉर एनी कॉलेज, क्योंकि जब तक आपका कट ऑफ नहीं मिलेगा तो आप इस कॉलेज में नहीं आ पाएंगे. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कॉलेज एक अंडर रेटेड है, बट सो इसका थोड़ा कट ऑफ हाई भी, अगर आपका मीन्स अगर आपका रैंक 30 to 40 thousand है तो आपको सी एस मिल सकता है. आई टी के लिए आपको 50,000 भी है तो आपको आराम से मिल सकता है, बट सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा. ओके, सो अगर एग्जैक्ट कट ऑफ का बात करूँ तो जनरल के लिए ऑल इंडिया रैंक सीएससी के लिए 3,940 पे ओपन होता है, और सीएससी का जो क्लोज होता है 33,351, जो कि मैं राउंड वन का बता रहा हूँ. ओके, अभी मैं सारे राउंड वन का बताऊँगा. आई टी का सिमिलरली 17,000 से शुरू होता है अप्रॉक्स, और 38,496 तक होता है. ओके, इसी का बात करूँ तो 17,000 सिमिलरली से शुरू होता है, जो कि 52,000 तक आता है. ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल तक अगर आपका 65,000 भी रैंक है तो यू कैन गेट दिस कॉलेज. ओके, दिस विल बी अ गुड कॉलेज. ओके, सिविल ब्रांच का करें तो 65 के अंदर भी है तो आपको यू कैन गेट. ओके, अगर सेकेंड राउंड का बात करूँ तो सेकेंड राउंड तक कितना कट ऑफ जा सकता है मैक्सिमम, अगर सी एस सी का मैक्सिमम कट ऑफ अराउंड 51,000 जाता है. ओके, आई टी एफ सिमिलर कट ऑफ मीन्स 54-55 तक जा सकता है. इस बार हो सकता है थोड़ा कम जाए क्योंकि भाई थोड़ा कंपटीशन टफ है. ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल अंडर 60,000 भी आपका रैंक है तो यू कैन गेट दिस कॉलेज, नो डाउट दिस विल बी वन ऑफ द मीन्स गुड कॉलेज. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द कट ऑफ. सो मैंने हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर कर लिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो और यह भी आप मीन्स अगर आप कुछ जानना चाहते हैं. ओके, आप पूछना चाहते हैं तो आपको बता दूंगा. ओके, फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप बेसिकली चेक कर सकते हैं. ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था. और हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं, या कोई कॉलेज कंपेरिजन या कोई और आपका डिमांड है तो मैं ज़रूर आपको मीन्स कमेंट पर गंभीरता से विचार करके एक नया वीडियो जारी कर दूंगा. ओके, सो फाइनली इस वीडियो में इतना ही था. टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.